वेलकम टू द कुमार देव एजुकेशन। मैं अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। ये इसका है स्वयंभू महापंडित। इसके लेखक है गुणाकर मूले। लेखक परिचय। गुणाकर मूले का जन्म महाराष्ट्र राज्य के अमरावती जिले के सिंधी बुजरुक नामक गांव में 3 जनवरी 1935 को हुआ था। आरंभिक शिक्षा के उपरांत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने गणित विषय में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। मूले जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। वह गणित विषय तक ही सीमित नहीं रहे बल्कि गणित के अतिरिक्त मुद्रा शास्त्र, लिपिशास्त्र, पुरातत्व विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इतिहास, साहित्य, कला और संस्कृति आदि विधित विषयों को भी अपने शोध के लिए उन्होंने प्रमुखता प्रदान की। उन्होंने गणित और विज्ञान जैसे गंभीर विषयों को हिंदी पाठकों के लिए रोचक, सरल और पठनीय बनाकर प्रस्तुत किया। वह NCERT की पुस्तक निर्माण की विधि योजनाओं में संलग्न रहे। वे नेशनल बुक ऑफ टेस्ट की नेहरू बाल पुस्तकालय योजना के सलाहकार मंडल के सदस्य रहे और बाल साहित्य के निर्माण, विकास, लेखक प्रचार प्रसार में उनका बहुमूल्य योगदान दिया। आजीविका के लिए जीवन वे स्वतंत्र लेखन पर निर्भर रहे। विभिन्न विषयों से संबंधित गुणकर मूल्य की प्रसिद्ध पुस्तकें इस प्रकार है, आकाश दर्शन, संसार के महान गणितज्ञ, भारतीय विज्ञान की कहानी, भारतीय अंक प्रवृत्ति की कहानी, भारतीय लिपियों की कहानी, नशस्त्र लोग, अंतरिक्ष यात्रा, सौरमंडल, सूर्य अंकों की कहानी, अक्षरों की कहानी, आर्यभट्ट, मस्कराचार्य, केपल, अकरण, मीडिट, पस्कर, मेंडलीब, गणित की पहली, प्राचीन भारत में महान वैज्ञानिक, महाराष्ट्र के दुर्ग महापंडित राहुल सिक्त्यान, महाभारत, इतिहास और संस्कृति आदि। अब तक उनकी लगभग 35 मौलिक पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। उनके हजारों लेख हिंदी और अंग्रेजी भाषा के विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। इनके अतिरिक्त विज्ञान और इतिहास से संबंधित एक दर्जन से अधिक पुस्तकों के उन्हें अनुवाद किया। उन्हें अनेक पुस्तकों से सम्मानित किया जा चुका है। उसमें कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार इस प्रकार है, हिंदी एकेडमिक दिल्ली का साहित्य सम्मान पुरस्कार, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा और आत्माराम पुरस्कार, बिहार सरकार के राजभाषा विभाग का जननायक कर्पूरी ठाकुर पुरस्कार, मराठी विज्ञान परिषद मुंबई का विज्ञान लेख पुरस्कार, मेघनाथ शाह पुरस्कार, राष्ट्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी संचार परिषद NCERTC का राष्ट्रीय पुरस्कार आदि। इनके अतिरिक्त वे भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद नई दिल्ली और भारत सरकार के विज्ञान प्रसार योजना के सीनियर फेलो भी रहे। गुणकार मूले 1958 ईस्वी से लेखक कार्य कर रहे हैं। अपनी 4 दशक से भी अधिक की रचना यात्रा में उन्हें सीजन कर्म और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के प्रति जिस अटूट प्रतिबद्धता का चयन दिया है वह अत्यंत दुर्लभ है। उन्होंने हिंदी भाषी राज्य में पैदा होकर भी अपना पूरा जीवन हिंदी लेखक को समर्पित कर दिया। बिल्कुल मिलाकर कहा जाए तो बुनकर मूल्य की रचना यात्रा अंधविश्वासों और सामान्य मूल्यों के खिलाफ एक वैचारिक संघर्ष की यात्रा है। सार। स्वयंभू महापंडित बुनकर मूलत बुनकर मूल्य द्वारा लिखित एक जीवनी है। उसमें राहुल सत्यान के व्यक्तित्व और कृतित्व के माध्यम से लेखक ने निरंतर
संघर्षशील रहने का पाठ पढ़ाया है। मूले जी ने बहुत सत्यांत को आवेशक के रूप में उद्धृत किया है, जो अपने जीवन का मूल्य उद्देश्य बौद्ध साहित्य और संस्कृति का अध्ययन एवं अन्वेषण मानते थे। चूँकि बौद्ध मठीय भारत से लुप्त हो गया था और तिब्बत में मूल सांस्कृतिक पोथियों के सुरक्षित होने की संभावना थी, इसलिए राहुल जी ने बौद्ध साहित्य की खोज के लिए तिब्बत जाने का संकल्प लिया। इस संकल्प को पूरा करने के लिए राहुल जी ने सबसे पहले तो बौद्ध साहित्य से जुड़े उपलब्ध पाली ग्रंथों का गहन अध्ययन किया और लगभग सभी बौद्ध तीर्थों की यात्राएं की। इसी क्रम में उन्हें श्रीलंका के विद्यालाकार महाविहार के अध्यापन भी करना पड़ा। श्रीलंका में 18 महीने तक बुद्धकालीन भारत के समाज, राजतंत्र, भूगोल आदि का उन्हें विस्तृत अध्ययन किया और आवश्यक जानकारियों को नोट भी करते गए, ताकि भविष्य में अन्वेषण करते हुए उनकी बात ली जा सके। उन्होंने श्रीलंका से ही तिब्बत जाने का निश्चय किया। उनकी पहली तिब्बत यात्रा संघर्षपूर्ण और कठिन थी। इनके लिए उन्हें तरह तरह के कपाट बोलने पड़े, भोटिया भैंस धारणा करना पड़ा, बंदलन पर मेल जमाने देना पड़ा और भारत, नेपाल, तिब्बत और सभी सरकारों की आंखों में धूल झोंकना पड़ा। अंत वह सफल हुए। अपनी पहली यात्रा की सफलता से उत्साहित होकर उन्होंने आगे तीन अन्य यात्राएं की। उनकी चार तिब्बत यात्राओं में से तीन तिब्बत यात्रा सर्वाधिक महत्वपूर्ण रही, जिसमें उन्होंने वासेका, सालू और डोर के मठों से लगभग 156 नई पुस्तकों की खोज की। यही यात्रा में उन्हें धर्मकीर्त और परवान वक्ति हासिल हुआ, जो उनके जीवन का सपना था। तिब्बत की अपनी चौथी यात्रा के बाद उन्हें सक्रिय राजनीतिक में जाने का निश्चय किया और किसान सत्याग्रह आंदोलन में जुड़ गए। 2.5 साल तक जेल की सजा भी भुगती, किंतु कारावास में भी पुस्तकों के संपादन का कार्य करते रहे। दरअसल राहुल जी एक ही कार्यक्षेत्र तक सीमित रहना चाहते थे। वे ज्ञान संपदा के विकास के साथ साथ सामाजिक जीवन के सुधार के भी पक्षधर थे और इन दोनों क्षेत्रों में अपना योगदान देना चाहते थे। निश्चय ही राहुल जी विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। बुनकर मूले द्वारा लिखित जीवनी से हमें जीवन के प्रति एक नए उल्लास की शिक्षा मिलती है। प्रतिपाद स्वयंभू महापंडित गुनकर मूले द्वारा लिखित एक जीवनी है, जिसमें राहुल सखीनाथन के जीवन के कतिपय महत्वपूर्ण पक्षों का उद्घाटन किया गया है। राहुल जी के जीवन की कई ऐसी घटनाएं हैं जो वैचारिक इतिहास की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। बौद्ध मठे भारत से लगभग लुप्त हो चुका था और बौद्ध साहित्य से अपने गहरे लगाव के कारण राहुल सखीनाथन ने उन्हें खोज निकालने का कठिन प्रयास किया। इसी सिलसिले में उन्हें तिब्बत की चार संघर्षपूर्ण यात्राएं की। इसमें से तीन यात्रा सर्वाधिक सफल रही। इसमें उन्हें सैकड़ों लुप्त हो चुके संस्कृत ग्रंथ प्राप्त हुए। अपने जीवन की इस यात्रा से उन्हें सर्वाधिक संतोष हुआ। उनके जीवन की सबसे बड़ी अभिलाषा थी महान बुद्ध, नायक, दार्शनिक, धर्मकीर्ति के लुप्त हो चुके ग्रंथ प्रमाण कृतिक पर प्रज्ञाकर गुप्त के भय वक्ति का कार और कन गोकी की स्वीकृति टीका को प्राप्त करना। अवेशन की प्रेरणा गुनकर भूले द्वारा लिखित जीवनी स्वयंभू महापंडित के अनुसार राहुल जी की तिब्बत यात्राओं के पीछे मूल कारण
था बौद्ध साहित्य और संस्कृति के अध्ययन और अधिवेशन की उसकी तीव्र पिपासा। आर्य समाज के प्रचलन के रूप में कार्य करते हुए सन 1916 में वह पहली बार बौद्ध साहित्य के संपर्क में आए। लखनऊ में देवेंद्र बोधानंद जी से पाली त्रिपिटक की थोड़ी बहुत जानकारी उन्हें मिली। उस समय बौद्ध धर्म की एक ही पुस्तक धर्मपद उपलब्ध थी। आगे करीब 10 वर्षों तक उन्हें बौद्ध तीर्थों की यात्रा और बौद्ध साहित्य का महान अध्ययन किया। सन 1921-23 के इन दिनों में सक्रिय राजनीतिक से जुड़ाव। लगभग 2.5 साल जेल में भी रहे, कारावास में ही गणित जैसे गंभीर विषयों का अध्ययन किया और साम्यवादी विचार से प्रभावित होकर 22वीं सदी जैसे पुस्तकें भी लिखी। सन 1927-28 में श्रीलंका के विद्यालकार महाविहार के वह अध्यापक नियुक्त हुए, किंतु उनका मूल धंधे था पाली बौद्ध साहित्य का गहन अध्ययन करना। इसलिए वेतन के रूप में उन्हें खाना कपड़ा के साथ पाली पढ़ने का अच्छा प्रबंध करने को कहा। लगभग 18 महीने रहकर उन्हें सचमुच पाली त्रिपिटक को छान डाला और बुद्धकालीन समाज, राजतंत्र, भूगोल जैसी आवश्यक जानकारियों को नोटबुक में उतारा। उसके अतिरिक्त भारतीय पुरा लिपियों एपिग्राफिका इंडिका पाली टैक्स सोसाइटी लंदन और रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सिलोन बंगाल में बंबई शाखाओं के पुराने जर्नलों को पढ़ डाला। इस दौरान उन्हें सरस्वती पत्रिका में बौद्ध संस्कृति के बारे में धारावाहिक रूप में लिखना शुरू किया और हिंदी पाठकों को राहुल के रूप में एक नई विभूति मिली। एक तरह से 1927-28 में ही राहुल जी के साहित्यिक जीवन का वास्तविक आरंभ हुआ। यही बातें उनकी आगे की तिब्बत यात्राओं के बारे में प्रेरक और सहायक सिद्ध हुई। यात्रा की तैयारी श्रीलंका में त्रिपिटक के अनुशीलन के लिए उन्हें त्रिपिटकाचार्य की उपाधि प्रदान की, किंतु राहुल जी उतने से संतुष्ट नहीं थे। उन्हें पता था कि संस्कृत बौद्ध साहित्य के अध्ययन के बिना बौद्ध धर्म तथा दर्शन की जानकारी अधूरी है। इस प्रकार उन्हें संस्कृत बौद्ध साहित्य का अवेशन करने को दृढ़ संकल्प लिया। उन्हें उम्मीद थी कि तिब्बत में मूल संस्कृत पोथियाँ सुरक्षित होगी, क्योंकि तिब्बती और चीनी अनुवादों में काफ़ी बौद्ध साहित्य सुरक्षित था। बौद्ध साहित्य के उन्नयन का कार्य उन्होंने श्रीलंका में से ही शुरू कर दिया। अभी धर्मकोश भारत से लुप्त था, किंतु तिब्बती और चीनी अनुवादों में उपलब्ध था। यूरोपीय विद्वानों लावाली पुरसी द्वारा फारसी भाषा में अधिधर्म भाष्य का अनुबोध और उनकी टीका 6 खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। राहुल जी ने फारसी भाषा से अभिधर्मकोश के खंडित अंशों को अनुवाद करके पूरा किया और नादिका नाम की टीका लिखी। श्रीलंका में ही राहुल जी ने तिब्बत जाने का निश्चय किया और भिक्षु आनंद कौशल्यान ने उनका पूरा साथ दिया। पहली यात्रा सन 1929 में भारत के बौद्ध तीर्थ की यात्रा करते हुए वे काठमांडू पहुँचे, जहाँ से उन्हें भारत, नेपाल और तिब्बत तीन सरकारों की आंखों में धूल झोंक कर ल्हासा पहुँचना था। राहुल जी के प्रथम तिब्बत यात्रा सबसे साहसपूर्ण और खतरनाक थी। वह भेटिया भैंस धारणा का एक तिब्बती लामा दल में शामिल हो गए। बदलन पर मैली जमाने दिया और खुन्नू छेड़ नामक धारणा की आभार कष्ट झेलते हुए और एक मंगोल भिक्षु के साथ तिरछे तक पहुंचने में सफल रहे। सिकिंजे में मंगोल भिक्षु का यह छोटा किंतु ज्ञानी के आगे ऊंची चोट, एक महासरोवर और ब्रह्मपुत्र नदी पार करते हुए 19 जुलाई 1929 को वह लक्ष्य तक पहुंचने में
कामयाब हुए। 1 किलोमीटर दूर से उन्हें कई तालों का लाल रंग और रंगे दलाई लामा का प्रसाद पोतला दिखाई दिया। ल्हासा के कई पोतला महल के दर्शन को दुनिया की सबसे कठिन चीज़ समझा जाता है और इसे देखने के लिए राहुल जी को 4.5 महीने तक तरह तरह की कठिनाइयां झेलनी पड़ी। वहां राहुल जी एक नेपाली व्यापारी धर्म साहू के घर ठहरे और वहीं से उन्हें तिब्बती भाषा और बौद्ध ग्रंथों के अध्ययन के लिए दलाई लामा से अनुमति हेतु निवेदन किया। उन्हें तिब्बत में रहने की अनुमति मिल गई। इस बीच तिब्बत और नेपाल में लड़ाई छिड़ जाने की नौबत आ गई और ल्हासा का माहौल तनावपूर्ण हो गया, किंतु उन्होंने अपना अधिवेशन जोर शोर से जारी रखा। ल्हासा में युद्ध के तूफान के बाद भुज व आसपास के महाविहारों से जानकारी हासिल करते रहे। मंगोल भिक्षु धर्मकीर्ति के साथ तिब्बत के प्राचीनतम समय मठ की यात्रा की। इस प्रथम यात्रा में राहुल जी को तिब्बत के विभिन्न स्थलों को प्रचुर तिब्बती साहित्य और करीब 150 चित्रपट प्राप्त हुए। सालू बिहार से उन्हें संस्कृत की पुस्तक ब्रज डाक तंत्र की ताल पोथी भेंट में मिली। इससे उन्हें यकीन हो गया कि तिब्बत में और भी कई तालपत्र पुस्तकें सुरक्षित हैं। एक तत्र की कई सारी सामग्री को 21 कक्षों पर लदवा कर फारी कालीपोड के रास्ते में 6 जून 1930 को भारत लौटे। सारी सामग्री श्रीलंका में ले गए और बाद में पटना संग्रह को सौंप दी गई। इधर उन्हें ल्हासा प्रवास के दौरान ही काशी पंडित सभा ने उन्हें फरवरी 1930 को एक मानपत्र के जारी महापंडित की पदवी प्रदान की। दूसरी यात्रा सन 1934 के मई महीने में दूसरी बार वे तिब्बत गए। इस बार बौद्ध भिक्षु के रूप में वे फारी काली पांडू के रास्ते खुले तौर पर गए। इस दूसरी यात्रा में उन्हें कुंद दे रीड बिहार में अनमोल पोथी व्यान पद शांत सित का टीका मिली और डोर बिहार से धर्मकीर्ति के बांधे की 2 मूल पीथियाँ मिली, जिन्हें कड़ी मेहनत से उन्हें पूरा लिख डाला। वही हेतु बिंदु और न्याय बिंदु पर द्विवेद मिश्र का टीकाएँ भी मिली। साके में उन्हें बड़ी ही महत्वपूर्ण पुस्तक प्रमाण वृत्तिका के ढेर परिच्छेदों पर प्रभाकर गुप्त का भाष्य वर्तिकालकार मिली, उन्हें उसे भी उतार लिया। राहुल जी की दूसरी यात्रा बहुत सफल रही और वह दिसंबर 1934 में नेपाल के रास्ते भारत लौटे। तीसरी यात्रा धर्मकीर्ति के प्रमाण वार्षिक के उद्धार को राहुल जी ने अपने प्राणों से भी अधिक महत्वपूर्ण मानते हुए 30 दिसंबर 1935 को वह टाइफाइड बीमारी की चपेट में आ गए और जिंदगी एवं मौत के बीच झूलते रहे, किंतु उस बुखार में भी उन्हें मुँह से धर्मकीर्ति का नाम ही निकला। शरीर कमजोर होने के बाद बावजूद 18 फरवरी 1935 को काठमांडू होते हुए वे तिब्बत पहुँचे। तारा प्रसाद से उन्हें पता चला कि छंगपे कड़ाऊ की कुंजी मिली है। सैकड़ों वर्ष पुरानी बिहार की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। पुरानी किवाड़ और बीच धूप चौपट और फरस कठोरी का ताला खोला गया और उसे कपड़ों में लिपटी या खुली हजारों पुस्तक मौजूद थी। ये बौद्ध साहित्य के अनमोल रत्न थे। उन्हीं में कपड़ों में लिपटे लड़कियों की तकियों के बीच मोटे डोर से आर पार छेद
करके बांधी संस्कृत की पुस्तकें भी थी। करीब 20 पुस्तकें राहुल जी को मिली, उनमें कृति कालकार, श्रीविठिका, योगाचार भूमि आदि महत्वपूर्ण पुस्तकें भी थीं। आगे सालू के एक गुम्बा के पुस्तकालय में प्रभाव वर्ती के मूल 3 परिच्छेद और डोर बिहार से वास्तु बंधु का अभिधर्म को वास्य धर्म संपूर्ण मिल गई। सभी महत्वपूर्ण पुस्तकों की उन्हें अपने हाथ में प्रतिलिपियां तैयार की और बाकी ग्रंथों को फोटो लिए। लगभग 156 नई पुस्तकों की उन्हें खोज की। तिब्बत में डाकुओं के खतरे बहुत ज़्यादा थे, फिर भी बड़ी निडरता से उनका सामना करते हुए राहुल ने अपनी यात्रा संपन्न की। चौथी यात्रा, राहुल जी ने सन 1938 में चौथी बार तिब्बत की यात्रा की और इसमें उन्हें बिहार और तिब्बत दोनों की सरकार से सुविधा मिली। यहाँ यात्रा उनकी सफल नहीं रही, उन्हें काफ़ी मानसिक कष्ट भी उठाने पड़े और डाकुओं का सामना करना भी पड़ा। फिर भी यात्रा उपयोगी साबित हुई। न्यायिक ज्ञानसी की 12 पुस्तकें तिब्बती पोथी छन लुछवा धर्मस्वामी की जीवनी प्राप्त हुई। उनका अभियान दल 1938 को भारत लौटा। राजनीतिक में प्रवेश, कलकत्ता पहुंचकर उन्हें पत्र संवाददाताओं को बताया कि वह सक्रिय राजनीतिक में भाग लेना चाहती है। यो तो सत्याग्रह आंदोलन के समय से ही वह राजनीतिक से जुड़े थे, किंतु चौथी यात्रा के बाद वे किसान मजदूर के संघर्ष के सीधे तौर पर जुड़ गए। किसान सत्याग्रह के तहत लगभग 2.5 साल तक जेल में भी रहे। जेल में काफ़ी समय था, इसलिए उन्हें कुछ पुस्तकों के संपादन किया। राहुल जी ने अपने आर्थिक परिश्रम से अनेक पुस्तकों का संपादन किया और धर्मकीर्ति के ग्रंथों का उजागर किया। धर्मकीर्ति के 7 महत्वपूर्ण ग्रंथों प्रमाण, विश्वनीय, न्यायबिंदु, हेतुबिंदु, संबंध परीक्षा, बंद न्यायालय, बाद न्यायालय और संतानातर सिद्ध संपादन उनकी कृति के स्तंभ है। अंतिम इच्छा, यद्यपि राहुल जी एक बार तिब्बत की यात्रा करना चाहते थे, किंतु तब भी वह 65 साल के हो चुके थे और मधुमेह की बीमारी उनके शरीर को छीन कर दिया था। इधर चीन में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया था और तिब्बत चीन के अधिपत्य में आ गया था। चीन बौद्ध संघ के द्वारा सन 1958 में उन्हें चीन आगे आने का निमंत्रण मिला। राहुल जो चीन गए भी, किंतु चीन पहुंचने पर उन्हें हृदय विकार हुआ और कई दिनों तक अस्पताल में रहना पड़ा। तिब्बत की राजनीतिक स्थिति अस्थिर होने के कारण उनकी अगली तिब्बत यात्रा की व्यवस्था नहीं हो सकी। प्रतिकूल स्वास्थ्य के कारण 4.5 महीने तक नई चीन के अध्ययन अवलोकन करने के बाद वे स्वदेश लौट गए। असल में राहुल जी धर्मकीर्ति के ग्रंथों के साथ दृढ़ नाग का प्रमाण समुच्चय नमक मूल ग्रंथ को भी प्राप्त करना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि वह तिब्बत की किसी मठ स्तूप या मूर्ति के भीतर से शुरू कभी मिल जाए, लेकिन उन्हें वही नहीं मिल पाई। जो भी हो, राहुल जी ने भारत के हिंगेल धर्मकीर्ति को खोज निकाला था और उनके नियंत्रण प्रयासों से बौद्ध साहित्य की अनेक रचनाएं उपलब्ध हो चुकी थी। ये कविता समाप्त हुई। हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट कविता में। वीडियो चले, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक जरूर करना क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है।